लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों की जिंदगी देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। पाकिस्तानी जेल की अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से ही लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच न जाने कौन सा कड़वाहट भरा रिश्ता है, जबकि पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत की मदद से पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। इसके बाद भी न जाने क्यों दोनों देशों के बीच इतना खिंचाव रहता है। जैसे कि पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान के शीर्ष अदालत के द्वारा अपनी जेलों में बंद कैदियों की जानकारी वाली एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि पाकिस्तान की जेल में 470 भारतीय जेल में बंद है। इनमें से 418 मछुआरे हैं जो कि गलती से मछली पकड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए थे। उसी दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय जेलों में 357 पाकिस्तानी कैद है। इन सब के बारे में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच की कैदियों के मामले को लेकर एक आखिरी न्यायिका समिति की बैठक अक्टूबर 2013 में लगाई गई थी, परंतु उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच की स्थिति और अधिक बिगड़ गई और वार्ता रद्द हो गई, जिस वजह से कैदियों को लेकर कोई न्यायिक बैठक नहीं हो पाई। भारतीय कैदियों का पाकिस्तानी जेलों में क्या हाल है, यह बात तो आप सरबजीत की इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। सरबजीत को वापस लाने के लिए भारतीय सरकार ने लगातार 20 साल से प्रयास जारी रखा है, परंतु जब उनके वापस लौटने के कुछ आसार दिखाई दे रहे थे तो पाकिस्तानी जेल में उन्हें यातनाएं देकर मार दिया गया और इसे नाम दिया गया कि पाकिस्तानी कैदी के साथ आपसी झड़प में सरबजीत की मौत हो गई। सरबजीत के साथ जो सलूक हुआ उसी तरीके से बाकी भारतीय कैदियों के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें जेल की जंजीरों से बांध दिया जाता है और उन्हें कभी खाना नहीं दिया जाता, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है और उन्हें खूब यातनाएं दी जाती है। पाकिस्तान की जेल में बंद बाकी भारतीय कैदियों का कहना यह है कि यहाँ पर उनका बहुत बुरा हाल किया जाता है। उन्हें हर कोई नफरत की नजरों से देखता है और उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसे ही खबर पढ़ते रहने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबर आपके लिए लाते रहते हैं।